देख रहे P20 न्यूज, पंजाब पुलिस का मुलाजिम घर से हुआ बेघर, इंसाफ के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाने के बाद नहीं मिला इंसाफ, सब अधिकारियों के दरवाजे खटकाने के बावजूद भी दर दर भटकने को मजबूर। अब खबर विस्तार से, आपको बता दें कि लुधियाना शेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरगोबिंदपुर चौकी में कार्यरत पुलिसकर्मी ने बताया कि उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए बैंक से लोन निकालकर मकान बनवाया था। जिस आशियाने की छत के नीचे ज़िंदगी गुजारना चाहता था, उसी परिवार ने उसे आज घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब वह गुरुद्वारे में खाना खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। पुलिस दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कार्य करती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मुलाजिम को ही पुलिस उच्च अधिकारियों से इंसाफ की नहीं मिल पा रहा है। दर दर भटकने के बावजूद भी किसी अधिकारी ने पुलिस मुलाजिम के आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से विनती करते हुए, पुलिस मुलाजिम थक चुका है, सब रास्तों से निराश होने के बाद सोशल मीडिया पर विनती करता हुआ इंसाफ की गुहार लगा रहा है पुलिस मुलाजिम। लुधियाना से महेश कुमार की रिपोर्ट। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भुपिंदर सिंह, पुलिस मुलाजिम श्री हरगोबिंदपुर थाने का रहने वाला हाँ। मैं अपने परिवार को दो मकान बना के दिए हैं। 30 साल मेरी सर्विस हो गई है। 30 सालों के मैं एक ईमानदारी के नाल अपनी नौकरी की है। 30 सालों के मैं अपने परिवार को दो मकान बना के दिए है। एक तो मैं अपनी घरवाली के नाम से पहला करा चुका हाँ 11 साल के दूजे मकान के उत्ते उन्हें कब्जा कर लिया वा, मैनू उस परिवार ने घरों बाहर कढ़ता वा। मैं दर दर के धक्के खाँदा फिरदा वा, मेरे कोई रहने जगह नहीं है। जदों मैं अपनी ड्यूटी तो जाना वा, मैं कि गुरुद्वारे च जाना, जाके रोटियां खाना वा, कि रहना वा। मेरे ना बहुत बेइंसाफी हो रही है, मेरे ना बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा वा। जिहड़ी मेरी इलाके की पुलिस आ, श्री हरगोबिंदपुर थाने की पुलिस आ, उन्हूं मैं बहुत ज़्यादा दरखास्तां दे चुका वा, उपर भी अफसरां नूं दरखास्तां कढ चुका वा, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुंदी। अपने परिवार वास्ते मैं बैंक दे विचों करजा भी लिया वा, करजा लै के मैं उन्हां दा पालन पोषण कीता वा जो एक आम मुलाजम कर सकदा वा, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुंदी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान वा, इन्ना परेशान वा कि पुछो कुछ ना। मैं आ कल जिहड़ा कांड होया वा, मैं तो कहना वा कि वह बेचारा दुखी होगा, किसी गलों जरूर मेरे वांगू दुखी होगा। जो बंदे के सिर तो पानी लंघ जाता की करूगा ये जिंदगी नालों तो मैं समझना वा कि मरना चंगा। मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेहरबानी करके मैनू इंसाफ दिता जाए। मेरा परिवार तो मैं अहीं भी खुदकुशी करन तो बच जाएंगे। मेरे परिवार ने मेरा समझौता कराया जाए। मेरे सिर के उत्ते 28 लाख रुपये का कर्जा वा, मकान वो सामभ के बह गए, मैं कितों दवा तो कितों ना दवा है। मैं हूँ अपना किश्ता तारन वास्ते अपन वास्ते लोन कराया है, वो मेरी जनानी ने मेरा 5 लाख का लोन खूँ खराबू करता। 17 लाख मैं रुपया बैंक का देना वा, 11 लाख रुपया वो मकान का देना वा। मेरे पल्ले कख नहीं है, एक मेरे को मेरे व्हीकल भी उन्होंने जोड़े आ सामभ लिया, मेरे मकान उन्होंने सामभ लिया, उन्हें मैं कुछ नहीं दिता। मैं 60 लाख रुपये का कर्जा ही, वो जनानी ने मैं 60 लाख रुपये का कर्जा ही बनाया है, पुठे काम करके मेरे पैसे चुक के, तो मैं जिदे तार के पैसे हौली 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 कमेटियां पा के तार ला रहा वा। जो मेरे सिर पर इस वे 28 लाख रुपये का कर्जा रह गया वा, जोड़ा 17 लाख रुपया बैंक का देना वा, तो 11 लाख रुपया वो मकान का मेरे थान से किसी होर बंदे ने भरया वा, देना वा। तो मेरे पल्ले कख नहीं है, मैं दसो की करा, किधर जाऊँगा, की करूँगा। Thank you.